प्यारे साथियों, मैं अतुल सिंह आज प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के गेट के समक्ष खड़ा हूँ। तो साथियों, आइए चलते हम देखते हैं कि ये जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो पार्क है वो यहाँ पे जो है आपको जहाँ से दिख रहा होगा, आइए हम गेट में एंट्री लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो उसको जान करके आपको हैरानी होगी कि स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता का सच्चा सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आत्म बलिदान को इसी स्थान पर दिया था जो कि ये पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से प्रचलित था। और इस समय में जब से यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे शहीद हुए थे उसी समय से इसका नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पड़ गया। तो साथियों, चलिए आइए इसके सीढ़ियों पे करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इनकी एक बड़ी सी प्रतिमा जो कि माला पहने हुए यहाँ पे बनी हुई है। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए जो आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया था। तो साथियों, आज हम आपसे इनके बारे में बताते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भाभरा, जो आदिवासियों का एक गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जो उन्नाव जिले के थे, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, ये आपको जो दिख पा रहा होगा यहाँ पे देखिए, तो आज़ादी की एक बहुत बड़ी लौ जो यहाँ से उठी, और आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे उठी और इसके कारण क्या थे और आज़ाद जी के आत्म बलिदान होने का यहाँ पे कारण क्या था। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं आज़ाद जी के। देखिए, आप पार्क को देखते हुए इनके बारे में देखिए यहाँ पे आप जानते रहिए। तो गाइज, देखिए हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जो कि अपने साथी गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिलने के लिए इलाहाबाद आए थे। तो इलाहाबाद जब वो यहाँ पे आए तो उनका एक मेंशन था, एक बहुत बड़ा कारण था जो कि वो यहाँ पे इलाहाबाद आए। तो आज़ाद जी के आने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण था जो कि वो एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी जी से अपने साथी मिलने के लिए सीतापुर गए थे, सीतापुर जेल में। तो सीतापुर जेल में जाने के बाद उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप एक कांग्रेस के बड़े लीडर जो वहाँ पे उभर ही रहे थे इलाहाबाद में, यानी कि हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं ये वही जगह है, ये वही ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज, यहीं आनंद भवन में जो नेहरू जी थे वो वहाँ पे मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी आए। तो उन्होंने आगामी योजनाओं पर चर्चा और परिचर्चा की कि हमारे देश की आज़ादी की जो क्रांति है उसमें वे कुछ सहयोग दें, लेकिन उन्होंने हमारे भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी को साफ इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि हम आपकी इस क्रांति में हम मदद नहीं कर सकते। कारण ये था कि वो बस उनको ये समस्या थी कि वो गरम दल के, यानी कौन, आज़ाद जी गरम दल के नेता थे और जो नेहरू जी थे वो नरम दल के नेता थे। तो स्वाभाविक सी बात थी कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो क्रांतिकारी थे इसलिए वो क्रांति करना जानते थे, मेहनत करना जानते थे और थोड़ा सा गरम दल के नेता होने के कारण उन्हें शांति पसंद नहीं थी। उनका ये कहना था कि स्वतंत्रता हमें शांति से कभी नहीं मिलेगी और नेहरू जी इनको, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी को, वो गिरोह का, जैसे जो विद्रोह का गिरोह था उसमें उन्होंने सम्मिलित होना बताया था नेहरू जी ने। तो गाइज, आइए हम देखते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो पार्क है, गेट से होते हुए हम यहाँ पे आपकी बाईं तरफ ये जो एक स्ट्रीट ऐसे देखिए जा रही है वहाँ पे हम चल रहे हैं। तो आज़ाद जी के देखिए संदर्भ में हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि आज़ाद जी ने यहीं पर
जो आपको यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था उसके पीछे एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर वो जब अल्फ्रेड पार्क में जब नेहरू जी ने बात नहीं सुनी थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो वो टहलते हुए अपने सुखदेव, अपने साथी सुखदेव राज जी के साथ यहाँ पर चले आए, जो ये पहले इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर ये देखिए जो आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके ये दिखाता हूँ कि जो कि आज़ाद जी की यहाँ पे मूर्ति है, इसके पीछे पहले एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। वहाँ पर अपने साथी सुखदेव राज जी से चर्चा कर ही रहे थे तब तक पुलिस आकर के वहाँ पे इनको घेर ली, और पुलिस आकर के साथियों जब इनको पुलिस ने घेर लिया तो ये यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पे बरगद का पेड़ आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक पेड़ देख रहे हैं जो कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, तो इसी के पीछे ये अपना छुप गए। और यहाँ से देखिए आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये देखिए मैं और जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से यानी कि इसी पेड़ के पीछे वो अपने साथी सुखदेव राज जी को जाने को बोल दिए और कहे कि तुम चले जाओ और मैं तब तक अंग्रेज़ों का सामना करता हूँ। और आज़ाद जी ने एक शपथ ली थी कि मैं जीते जी कभी इन अंग्रेज़ों के हाथ में कभी नहीं आऊँगा, तो उन्होंने इसी प्रण को यहाँ पे उन्होंने पूरा किया और अंग्रेज़ सिपाहियों का सामना करते हुए इसी पेड़ के पीछे से वो खड़े होकर के गोली चला रहे थे, और कई सिपाहियों की उन्होंने हत्या भी कर दी। और भारत के इस सच्चे सपूत ने यहाँ पे बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेज सिपाहियों से जम कर लोहा लिया। और इसी पेड़ के यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी पेड़ के यहाँ पे जब लास्ट गोली बची थी तो अपने प्रण को पूरा करते हुए आज़ाद जी ने एक गोली जो बची थी खुद को ही मार ली। और साथियों भारत माता के इस वीर सच्चे सपूत का आत्म बलिदान इसी पेड़ के समीप हुआ, तो इसी को याद करने के लिए देखिए यहाँ पे आज़ाद जी की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पे जो खड़ी की गई है, जो अब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के आज़ाद पार्क नाम से जानी जाती है। प्यारे साथियों, हम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में अपने भाई के साथ आए हुए हैं, तो परिचय है, नाम है मेरा राहुल चौहान, मैं बहुत अच्छा लगा बलिया का निवासी हूँ, क्रांतिकारी रहेंगे, देशभक्ति भरी हुई है जी, देशभक्ति तो कहना चाहेंगे कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप सबके बीच जो है कुमार सर की कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है, हालांकि मुझे कंठस्थ नहीं है फिर भी देख के बोलना चाहूँगा, चार लाइनें हैं जो केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए है, पूरे दिल से पूरे भारतवासियों की तरफ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो बेहतर है, ठीक है। है नमन उनको कि जो यस काय को अमरत्व देकर इस जगत में सौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो यस काय को अमरत्व देकर इस जगत में सौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये चार पंक्तियाँ जो है बहुत अच्छा लगा, जोड़ेंगी बहुत अच्छा लगा चंद्रशेखर आज़ाद। और मेरे भाई ने जो देशभक्ति ये जो आपको कोटेशन बोला है जो कुमार विश्वास जी का है, ये जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत प्रोत्साहन देगा, अच्छे नागरिक बने, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छे नागरिक के साथ साथ आपके पास एक और चीज़ें हैं जो आपको बेहतर रूप से जो है ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है हमारी भलाई के लिए, ठीक है, भारत में चीज़ें सुचारू रूप से हों, अच्छे से चलें, उसकी वजह से जो है इन्होंने क्रांति की आग जो है लगाई, बहुत बड़ी लौ विस्फोटित हुई थी, बहुत अच्छा लगा। तो आइए आगे चलते हैं, जो भी युवा आए हैं वो सेल्फी ले रहे हैं और
माता की जय, भारत माता की जय। देखिए हमारे एक भाई साहब यहाँ पे भारत माता की जय बोल रहे हैं, और आज आप थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद पार्क में खड़े हैं, तो दो शब्द सुने थे भैया चंद्रशेखर आजाद पार्क, हम भी बहुत दिन से तो सोचा आज घूम ही ले और आए मिर्ज़ापुर से घूमने के लिए हम। हाँ। तो कुछ कारण होंगे जो मतलब आप यहाँ पे आए हुए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप था तो कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कम से कम दो शब्द बताइए। ये हमारे फ्रीडम फाइटर हैं भैया, इनको कौन नहीं जानता जी जी, और वो भी ये हमारे इलाहाबाद में आके इनका शहादत शहीद हुए हैं, तो ये भी हम लोग के लिए गर्व की बात है कि पूरे इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर जो कि एक नॉमिनेस्ट एक फेमस फाइटर हम लोग के इलाके में, मतलब कुछ भी तो सर अच्छा ही है। और आजाद पार्क बहुत बहुत धन्यवाद, आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी भी है जहाँ पे जो प्यार के पंछी भी हैं वो भी अपना बैठते उठते हैं। तो ख़ास तौर से ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क केवल और केवल देश की क्रांति को याद करने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद करने के लिए, उनके आत्म बलिदान को याद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जगह अच्छी होने के कारण बहुत देखिए सघन, यहाँ पे देखिए आपको पेड़ पालो भी दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे लोग आया करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और प्रेम के पंछी भी देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस परिसर में घूमते हुए देखते हैं और आज़ाद जी के परिसर में बैठे हैं तो कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया घबराइए मत, ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, तो आपसे बात करना चाहेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आप बैठे हुए हैं जी, तो कुछ दो शब्द आप बोलना चाहेंगे किसके बारे में? चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क के बारे में। अब भैया उनके बारे में नहीं मालूम, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बारे में भले मालूम है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ठीक है, क्लीन रहता है, इतना है, गार्ड वगैरह रहते हैं, सेफ्टी रहती है, फैमिली भी आ सकती है, अच्छी बात है जी। तो क्या क्रांतिकारी से संबंधित हमारे भारत माता का सच्चा सपूत रहा है, तो उनके बारे में कुछ दो शब्द दो लाइन कहना चाहेंगे? हिस्ट्री तो पता नहीं भैया, तो हम बोलें क्या, बताइए आप। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे, ये बीएड की छात्रा है, इनको नहीं मालूम? तो ये हमारे देश के बीएड के बहुत ही महान क्रांतिकारी रहे हैं, तो कुछ आप पार्क में बैठे हैं तो कुछ बोलने का अगर कुछ याद होता तो जरूर बोल देते हैं। चलिए भैया कोई बात नहीं, धन्यवाद। महारानी विक्टोरिया का स्मारक, तो देखिए यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का देखिए जो स्मारक आपको दिख रहा होगा, करीब से चल के बेहतर, तो करीब से चल के हम बेहतर ढंग से हम देख पाएंगे, तो आइए चलते हैं क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इस परिसर में लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई करने वाले भी अपना बैठे हैं, ये देखिए, तो ये अपना एक परिसर है महारानी विक्टोरिया का। तो यहाँ पे देखिए विक्टोरिया का एक स्मारक में देखिए यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो कि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में देखिए हम कुछ चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे स्मारक है, यह स्मारक देखिए प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आप अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, आइए चलते हैं इसके आगे। ये देखिए जो आपको स्मारक दिख पा रहा होगा, भैया आप आज़ाद जी के परिसर में उपस्थित हैं तो कुछ दो लाइन अगर बोलना चाहें। आज़ाद जी ने आज़ाद कराया था, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? अज़हर। आज़ाद जी ने अपने देश आज़ाद कराया था, उनका नाम है इतना फेमस, और उसी के बेसिस पे उन्होंने गार्डन भी बनाया और यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये देखिए विक्टोरिया का जो स्मारक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा, तो यह देखिए इसका गुंबद देखिए काफ़ी ऊँचाई तक है, ये संरक्षित पार्क है लेकिन यहाँ पे देखिए एक सफाई और संगमरमर बनाया गया है, संगमरमर के पत्थर द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बहनें भी उपस्थित हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम बात करते हैं।
तो क्या आप आजाद जी के बारे में कुछ दो शब्द बताना चाहेंगे? जी नहीं, हम नहीं बता पाएंगे जी। आप? नहीं भैया, सॉरी। तो बस एक दो शब्द क्रांतिकारी थे आजाद जी, तो उनके विषय में बस एक दो लाइन तो बोल दीजिए। नहीं भैया, प्लीज, सॉरी। अच्छा चलिए, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो परिसर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे एक देखिए एक छोटा सा बहुत अच्छा दृश्य है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ख़ास तौर से यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे दर्शनीय है, बहुत काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा भी है और परिसर इसका काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है। तो आइए चलिए, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हम ले रहे हैं, मतलब बस आज़ाद जी के परिसर में उपस्थित हैं आप, तो बस एक दो लाइन आप अगर बोलना चाहेंगे। भैया पहले तो आपका बहुत शुभ नाम। सत्यम पांडे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल, हमें आप थोड़ा सा बताइए आज़ाद जी के बारे में। ये आज़ाद जी के बारे में यहाँ पे आकर के कैसा लगता है? निश्चित तौर पर जब भी आदमी दिन भर की भाग दौड़ में जब एक निराशा के दौर से गुजरता है तो चला आता है आज़ाद जी के पास। कभी दोस्तों के साथ चला आता है, कभी अकेले चला आता है। एक ऊर्जा मिलती है निश्चित तौर पर एक ऐसे क्रांतिकारी को देख करके जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान की परवाह किए बगैर न केवल स्वयं बल्कि अपने तमाम साथियों के साथ मिल करके वह काम कर दिखाया जो तमाम नरम दल और अन्य लोगों ने न किया हो। आज़ाद जी अपने आप में एक फौज थे और उनके साथ जो अन्य क्रांतिकारी नेता रहे उन सभी का बड़ा योगदान रहा। आप सभी जानते हैं उस चीज़ों को याद करके अब इस परिसर में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आपके जहन में घूमती रहती है वो चीज़ें। तो जाहिर सी बात है, एक अपने अतीत पर गौरव होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है हम सभी। बारे में कुछ बताइए, अपने कहाँ से पढ़ा है या जहाँ से भी? मैं अभी वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से परास्नातक कर रहा हूँ। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा भी आपसे मिलके, तो बहुत अच्छा लगा। और युवा पीढ़ी के विषय में अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि कथानक व्याकरण समझे तो मैं आपके लिए, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए जो कि मतलब इतने बड़े पूरे परिसर में बस आप मिले और एक दो लोग और मिले जो कि मतलब आज़ाद जी के जो भारत माता के सच्चे सपूत थे, उन्होंने बस दो तीन लोग, इससे ज़्यादा मतलब किसी ने इस टॉपिक पर डिस्कशन ही नहीं किया, सब लोग उसको छोड़ करके हट रहे थे इस टॉपिक को ही, जो कि मतलब इस क्रांतिकारी इस बलिदानी को भूल रहे थे जो आज़ाद जी हमारे यहाँ पे जिनके नाम पे पार्क है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनको मतलब भूल रहे थे। तो आपके लिए बस एक अगर उसको देशभक्ति अगर शायरी हम कहना चाहें तो आपके लिए हम कहते हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरक्षित छंद हो जाए, काश मेरे देश में फिर से मकरंद हो जाए, अरे मेरे दाता है मेरे ईश्वर, मांगता हूँ बस यही तुझसे कि फिर से युवा पीढ़ी संभल कर स्वामी विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए कुछ भाई बहन हमारे यहाँ पे देखिए उपस्थित हैं जो कि संगीत प्रेमी दिख रहे हैं और गिटार का अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं। इतना प्यारा जो है गिटार के साथ अभ्यास कर रहे हैं गाने का, तो बहुत अच्छा लगा है देख के इस परिसर में कि कुछ संगीत प्रेमी भी भाई बहन हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे एक प्यारे भाई साहब बैठे हैं तो उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मौजूद हैं तो आज़ादी के संबंध में कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रीतम सिंह है। बिल्कुल। और मैं यहीं से हूँ, लोकल हूँ, इलाहाबाद का ही हूँ। आज़ादी के संदर्भ में अगर हम बोलना चाहें तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे जो राष्ट्र नेताओं थे उस वक्त, जो हमारे भारत के जो नेतागण थे और जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने अपनी पूरी बल लगाकर पूरी सम्मान के साथ और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया,
उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में देश परिस्थिति कालखंड को देखकर उस दौर में जो स्थिति थी उसका एक मतलब सही प्रयोग करके उन्होंने एक ऐसी दिशा में उन्होंने बल का प्रयोग किया और एक साथ इकट्ठा होकर लोगों को जनता को जागरूक करके अपना बल लगाया और साथ साथ सबको एक साथ मिलकर देश को आज़ाद किए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का इसमें सबसे बड़ा सहयोग था, जिन्होंने अपने आत्मगौरव और भारत का राष्ट्र अखंडता और इसमें राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीयता है उसको बनाए रखने के लिए उदारवादिता के प्रति झुकाव रखते हुए समाजवादी को बढ़ावा देते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया है हम उनको हमेशा नमन करते हैं और सदैव हम दिल में उनको बसाए रखेंगे। धन्यवाद। तो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे आपके संदर्भ से जुड़े एक जो पंक्तियाँ हैं तो हम दोहराना चाहेंगे कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन भी समर्पित, चाहता हूँ मैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत अच्छा लगा भी आपसे मिल, बहुत बहुत धन्यवाद।